कहीं ना कहीं ये गड़बड़ है। ये अगर इसी तौर पे ही चलती रही तो आगे आने वाले टाइम में भी घपलेबाजी होगी जिसको पकड़ा नहीं जाएगा, कि इतने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य जो है वो अगर इस हेराफेरी से इम्पैक्ट हो रहा है तो एनटीए को भंग करना जो उनकी मांग है बिल्कुल सही है। अगर किसी ने चोरी की है आप उसको बोलते हो भाई तू ही दोबारा एग्जाम ले ले, तो क्या गारंटी है कि वो सही ईमानदारी से होगा? तो ये सिर्फ एक बचाव करने की एक नीति है। एनटीए को दोबारा उनका एग्जाम होल्ड करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। और आज प्रेस क्लब में जो तीन जो लॉ हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसी में से एक सर हैं, सज्जन हैं, मैं इनसे बातचीत करूंगा लॉ के लेकर, यूपीएससी, जुडिशरी और तमाम जो देश में पेपर लीक हुए हैं, नीट का हो गया, नेट का हो गया, तमाम उन मुद्दों पर यहाँ पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। सर, आप यूथ से जुड़े हुए हैं और यूथ के लिए काफ़ी एक इशू भी हैं, तो ऐसे में जो यूथ है देश का, अगर बात की जाए जो यूथ से ही देश चलता है, ऐसे में जो यूथ है 23 लाख की संख्या है जो नीट जैसे तमाम मुद्दों में फंसा हुआ है आज भी, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर करता है, सुप्रीम कोर्ट लगातार हेयरिंग कर टाइम पे टाइम ले रही है, ऐसे में क्या उम्मीद किया जाए उन बच्चों के लिए? देखो, उम्मीद तो न्याय ही है, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक उम्मीद ही रहेगी। जिन बच्चों का नुकसान हुआ पेपर लीक की वजह से, जो लोग 3-3, 4-4 साल मेहनत करके, जिनके माँ बाप ने लाखों रुपए खर्च किए उनको कोचिंग सेंटर्स में भेज के, उनकी कोचिंग करवा के, उन लोगों को बजाय उनके जो एक मेरिट पे सिलेक्ट होने चाहिए थे, उसके बजाय ऐसे स्टूडेंट सिलेक्ट हो गए जिन्होंने पैसे दिए या जिन्होंने पेपर खरीदे, तो एक भविष्य के लिए, एक बहुत बड़ा देश का भविष्य होता है यूथ। और अगर यूथ में ही ऐसी सेंध लगा दी जाएगी कि मेरिट को छोड़ के और पेपर खरीद के करने वाले या कोचिंग सेंटर्स की एक हेल्प लेने वालों को ही अगर आगे एडमिशन्स मिलेंगी, तो हम सोच सकते हैं कि देश आगे आने वाले टाइम में कैसे लोगों के हाथ में जाएगा, कि देश का भविष्य जो है वो कॉम्प्रोमाइज होगा। बिकॉज जो लोग पैसे से पेपर खरीद के, अगर यू नो सारे कॉलेजेस की इंपॉर्टेंट पोजीशंस में, चाहे इंजीनियरिंग की हो चाहे मेडिकल की हो, अगर वो लोग आगे जाएंगे तो एक जाहिर सी बात है कि एक नॉन मेरिट क्लास की जो एक आगे पीढ़ी खड़ी होगी, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो नतीजा है उस देने में काफ़ी देरी कर रही है। कल उसने एनटीए को साफ कर दिया है कि जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है कि वो कल जितने भी बच्चे एग्जाम दिए हैं उनका जो पोर्टल है जो एनटीए का, उस पर सभी बच्चों का रिजल्ट क्लियर कर। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट एक अपनी प्रक्रिया से चलता है और मैं ये समझता हूँ कि ये सब कुछ होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई ज़्यादा ऑप्शंस रह नहीं जाती, या उनके पास, मुझे नहीं लगता कि जिस लेवल का स्कैम हुआ है, जितनी स्टेट्स, जितने कोचिंग सेंटर्स, जितने अलग अलग लोग पूरे भारत के अंदर में इन्वॉल्व हैं, कि उन सब का समीकरण करके एक नतीजे पे पहुंच पाए, बहुत मुश्किल काम है। एंड आई थिंक, मेरे को लगता है कि ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जो ठीक लगता है वो करेंगे, बट मेरा पर्सनल व्यू है कि ये हेयरिंग्स पे हेयरिंग्स करके इसका कोई अंजाम निकलने वाला नहीं है। बिकॉज इसकी कोई एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है जो कि एक ठोस तथ्य ला सके कि कहाँ पे क्या हुआ, क्या गड़बड़ हुआ। और मान लीजिए अगर पकड़े भी जाते हैं लोग जिन्होंने किया, बट अंजाम क्या है? इसके ऑप्शन बड़ा सिंपल है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना पड़ेगा और दोबारा से एक सिक्योर तरीके से इस एग्ज़ाम को दोबारा करवाना पड़ेगा। अब उसके लिए टाइम फ्रेम, हम इलेक्शंस की बात करते हैं कि नहीं जी, इलेक्शंस हुए और अब दोबारा करने में बहुत बड़ा एक प्रोसेस लगेगा। सिमिलरली, ये जो एग्ज़ाम्स में जिनमें ये हेराफेरी हुई है, इनको दोबारा करने के लिए वक्त तो लगेगा। ये बहुत बड़ा हमारी सोसाइटी के सामने, हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि इतने लाखों स्टूडेंट्स का भविष्य जो है वो अगर इस हेराफेरी से इम्पैक्ट हो रहा है, तो इसको सुधारा कैसे जाए? और सुधारने में मैं तो ये समझता हूँ कि इनको, क्योंकि सामने एविडेंस है, अब बचाव पक्ष ये कह रहा है कि नहीं जी, हमने आइडेंटिफाई कर लिए, सारे भारत में नहीं था, ये कुछ कुछ सेंटर्स में था, तो ये सिर्फ एक बचाव करने की एक नीति है और कुछ नहीं है। कोई कुछ नहीं कह सकता कि कहाँ पे चीटिंग हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। और अगर मान लीजिए कल को लिस्ट सारी अपलोड हो भी जाती है, तो उससे अंजाम क्या निकलने वाला है? मैं नहीं समझता कि उस चीज़ से कोई अंजाम निकलने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को, मेरे ख्याल से, इस एग्ज़ाम को, हालांकि बहुत दुखद बात है कि स्टूडेंट्स जिन्होंने इतना टाइम लगाया इस चीज़ में, और दोबारा एग्ज़ाम पे बैठना पड़ेगा। और अभी फ़िलहाल एक और बात आती है कि दोबारा भी एग्ज़ाम करेगा कौन?
अगर सेम लेवल के ऊपर में मुझे लगता नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में आज इतनी सक्षम है कि ओवरनाइट एक नई एजेंसी को खड़ा करके एनटीए में नए लोग लाके और एक सिस्टम को फुल प्रूफ बना के दोबारा से एग्ज़ाम कर सके, वो पॉसिबल नहीं है। और बच्चों के करियर में 2-3-4 महीने की भी डिले होना एक बहुत बड़ी आपस में बात है। तो ये लेकिन साफ तौर से बच्चे जो हैं वो कह रहे हैं कि एनटीए को रद्द कर देना चाहिए, एनटीए जो है जो पेपर कराता है उसको भंग करने की भी बच्चे मांग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज उनको समझ में आ चुकी है कि ये एक सोसाइटीज एक्ट के अंदर रजिस्टर की हुई बॉडी थी जो अपने आप को एक भारत सरकार की बॉडी बना के दर्शा रही थी, और जो लोग इसको चला रहे थे वो बच्चों की मांग बिल्कुल सही है। जिस तरह से ये एनटीए कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें इसमें चेक्स एंड बैलेंसेज जो होने चाहिए कि गड़बड़ ना हो, वो सारे प्रोटोकॉल्स बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं किए गए। अब आप छोटा सा उदाहरण देता हूँ, हरियाणा का एक बच्चा जाके बोले जी मुझे तमिलनाडु के अंदर में फलां फलां सिटी के अंदर फलां फलां स्कूल के अंदर में मेरा सेंटर चाहिए, इसका क्या लॉजिक बनता है, क्या तुक बनता है? तो कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लिसिटी है, कहीं ना कहीं एक गड़बड़ है। तो एनटीए को, इस एनटीए को भंग करना जो उनकी मांग है बिल्कुल सही है, बिल्कुल जाए। आपने बीच में जो एनटीए को लेकर सोसाइटी से जोड़ा, आप उसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ये एनटीए जो बॉडी है, ये अब जो तथ्य निकल के आ रहे हैं सामने कि ये एक सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर की हुई एक एंटिटी है, ये भारत सरकार की एंटिटी नहीं है। ये जिस तरह से इसकी फाउंडेशन की गई है, जिन लोगों के हाथ में इनका कंट्रोल दिया गया है, जो इसकी पॉलिसी गाइडलाइंस तय की गई हैं, जो इसकी फंक्शनिंग तय की गई है, उसमें बहुत बड़े लूप होल्स हैं। उस लूप होल्स को बंद करने के लिए जिस तरह ये एनटीए फॉर्म की गई है, इसके अंदर कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो ये अगर इसी तौर पे ही चलती रही तो आगे आने वाले टाइम में भी घपलेबाजी होगी जिसको पकड़ा नहीं जाएगा। तो पहले तो जिस किस्म से ये एनटीए बनाई गई है और जो जिस तरीके से उनका काम करने की जो उनकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स दिए गए हैं, उनको सबको रद्द करना पड़ेगा और इस एनटीए को डेफिनेटली डिफंक्ट करना पड़ेगा भारत सरकार। मान लीजिए इस एनटीए के टेस्ट को ख़त्म कर देते हैं, बोलते हैं दोबारा से पूरे देश के बच्चों के लिए 23 लाख स्टूडेंट्स के लिए टेस्ट दोबारा से करिए, ये वही बात आ जाती है कि इतने बड़ी तादाद में इतने स्टूडेंट्स का टेस्ट दोबारा करने के लिए एक एजेंसी बनाने के लिए जो टाइम चाहिए, जो पैराफेरेनिया चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, जो लॉजिस्टिक्स चाहिए, वो खड़े करने कोई इतने आसान काम नहीं है ओवरनाइट। तो ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट स्टेट वाइज ऑफलाइन भी हो सकता है, ये सिस्टम होने को सब कुछ हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, स्टेज वाइज भी हो सकता है। बट अब एजुकेशनिस्ट को, देश के एजुकेशन मिनिस्टर को, एजुकेशन सेक्रेटरी को और शायद कुछ एजुकेशन एकेडमिक एक्सपर्ट्स को इकट्ठा बैठना पड़ेगा इसका कोई सुझाव, इसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए। ये इतना आसान काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट शायद इस उम्मीद में है कि अगर ये ठोस सबूत मिल जाए कि ये पूरे इंडिया में नहीं हुआ, इक्के दो के वन ऑफ कहते हैं जिसको, वन ऑफ सेंटर में हुआ है, तो चलिए सारा प्रोसेस रद्द करने की जरूरत नहीं है। वो उस चीज़ को बचाने में लगी हुई है, वो एनटीए को बचाने में लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट तो इससे पहले ये फैसला सुना चुकी है सर कि वो जो बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिला था 1563 बच्चों का, उनका दोबारा री एग्जाम हो गया, काउंसलिंग भी हो गई। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आगे देख चुकी है और आगे मामला बढ़ चुका है काफ़ी। देखो ग्रेस मार्क्स वाला तो पहले स्कैम था सारा का सारा, राइट। अब ये बताइए कि उन बच्चों का री एग्ज़ाम लिया किसने? उसी एनटीए ने लिया। क्या गारंटी है कि इस बारी उन बच्चों को दोबारा से कोई ना कोई कॉम्प्लिसिटी नहीं हुई होगी? अगर किसी ने चोरी की है, आप उसको बोलते हो भाई तू ही दोबारा एग्ज़ाम ले ले, तो क्या गारंटी है कि वो सही ईमानदारी से होगा? उन 1500 बच्चों के जिनको ग्रेस मार्क्स दिए गए, वो डेफिनेटली कॉम्प्लिसिट थे, उनके पीछे कोई ना कोई सेटिंग थी, उनके रिजल्ट को मेरे ख्याल विदहोल्ड कर देना चाहिए। उनको दोबारा, अगर दोबारा से करना है, एक सेकंड स्टेज के अंदर एक डिफरेंट एजेंसी से टेस्ट करवाना चाहिए था, किसी IIT को इन्वॉल्व करते, किसी IIM को इन्वॉल्व करते, एक जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन हैं उनकी एक बॉडी बना के उन 1500 बच्चों का एग्ज़ाम लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक सिटी के अंदर में 1500 बच्चों का, एक मेट्रो के अंदर में एग्ज़ाम हो सकता है। NTA को दोबारा उनका एग्ज़ाम होल्ड करने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। सर एक और सवाल मैं आपसे ले लेना चाहता हूं कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 3 क्रिमिनल लॉ के बारे में बात की गई है, जिस तरह से पार्लियामेंट में ये बिल पास हो गया, ये पास हो गया, उसमें 150 से ज़्यादा पार्लियामेंट के जो सदस्य थे, MP थे, उनको बर्खास्त कर दिया गया था, तो उस क्रिमिनल लॉ पे आपका क्या कहना है? देखो जो ये प्रक्रिया है, कानून किस लिए होता है? कानून सिटीजन्स के भलाई के लिए होता है, गलत को रोकने के लिए होता है, और
ये जो चीज है, ये एक जो जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, उन सब के बैठ के मिलके डिबेट डेलिब्रेशन के बाद पास होना चाहिए था। इस मुद्दे के ऊपर में कोई डिबेट नहीं हुई। अगर अगर स्पीकर को चाहिए था कि अगर 150 MP सस्पेंड हुए एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उसको इन बिल्स को पास करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी। इनकी सस्पेंशन ओवर होती जल्दी क्या है, जहां 75 साल कानून चले हैं, अगर 6 महीने और या 3 महीने और चल जाते तो आग कहां लगी हुई थी। उसको ये चाहिए, उनको ये चाहिए था कि अगर इतनी बड़ी तादाद में पूरी ऑपोजिशन के MP सस्पेंड कर दिए हैं, तो फिर घर में कोई बैठ के फैसला होता है, अगर दो लोग नहीं आ पाते तो कहते हैं चलो छोड़ो उनको, आने दो, कल फिर बैठ के बात करेंगे। तो मेरे ख्याल स्पीकर ने जो स्टैंड लिया है वो मेरे हिसाब से, तो पर्सनल मेरा निजी ओपिनियन है, बाकी वो ज़्यादा कानून को और पार्लियामेंट्री व्यवस्था को समझते हैं, बट मेरे हिसाब से ये गलत डिसीजन था। उनको इसको डेफर करना चाहिए था, इनकी सस्पेंशन ओवर होती या अगले सत्र तक इस बिल को पारित करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी उनको। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा, जो प्रेस क्लब में जिस तरह से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें तमाम मुद्दों पर बात हुई, उसमें जो लॉ के बारे में जो 3 कानून 1 जुलाई से लागू हुए उन पर भी बात हुई, और नीट UGC नेट पर भी तमाम मुद्दों पर बात हुई। इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।